सम्मानी शिक्षक साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम शिक्षण योजना किस तरह बनाई जाती है इस विषय में जानेंगे। यह जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खोजो तो जाने, यह कक्षा एक की हिंदी का पाठ 7 है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जंगल है और जानवर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इन जानवरों को जंगलों में खोजना है। और इसके दूसरे पेज में यहाँ पर कई जानवर हैं और इन जानवरों को बच्चों को बोलकर गोला लगवाना है। और अब हम सबसे पहले शिक्षण योजना बनाने में उन 9 बिंदुओं को अच्छी तरह से समझेंगे जिस पर हमें कार्य करना है। पहला बिंदु है अवधारणा के क्षेत्र। अवधारणा क्षेत्र, अवधारणा का मतलब होता है मन में उत्पन्न होने वाला भाव। तो जैसा कि आपने पाठ में देखा कि खोजो तो जाने, तो मतलब मन में यही भाव उत्पन्न हो रहा है कि जानवरों को पहचानना है। तो अवधारणा क्षेत्र में जानवरों को पहचानना लिख देंगे। दूसरा बिंदु है पाठ का नाम और क्रमांक। तो पाठ का नाम 7 है और खोजो तो जाने यह पाठ है और 7 पाठ हैं। पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना। पेडागॉजिकल का मतलब होता है शैक्षणिक प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना। इसका इस कॉलम में हम यह लिखेंगे कि बच्चों को किन गतिविधियों के माध्यम से हम पढ़ाएंगे। तो इसके लिए जानवरों के चित्र के 2 टुकड़े कर देंगे और उनको मिला देंगे। और इसके बाद बच्चों को कहेंगे कि जानवरों को जोड़कर सही रूप दीजिए। जानवरों के चित्र पर बच्चों से गोला लगवाएंगे, कोई भी जानवर बोलेंगे जैसे कि हिरण, और कहेंगे कि उसमें गोला लगाओ। सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री। सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री का मतलब होता है कि ऐसी सहायक सामग्री जो उस पाठ को पूर्ण करने में सहायक हो और बच्चों में दक्षता का विकास हो, सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री कहलाती है। तो इसके लिए हम जानवरों के चित्र का चार्ट लेंगे और जानवरों के आधे आधे भाग के चित्र भी ले सकते हैं। और अगला कॉलम है अनुमानित समय कालखंड। इसकी कोई सीमा नहीं होती है। जब हम लगे कि 3 या 4 दिन में बच्चे जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियां सीख गए हैं और उनमें पाठ की समझ आ गई है, उतने कालखंड ले सकते हैं। लर्निंग इंडिकेटर आप हमने गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को दक्ष करा दिया है, तो आप इसमें बच्चों का विश्लेषण और वर्गीकरण करेंगे कि किस बच्चे में कौन सी कमी रह गई है। अगर बच्चे चित्र देखकर जानवरों को आसानी से पहचान लेते हैं और उसमें गोला लगा लेते हैं तो, और उसके विषय में कुछ बात कर लेती हैं, तो इसका मतलब कि बच्चे की समझ विकसित हो गई है। मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। इसमें हम खाली स्थान, विकल्प और कुछ चित्र दे सकते हैं, गोला लगाने के लिए कह सकते हैं, कुछ चित्रों को 2 भाग करके जोड़ने के लिए कह सकते हैं। इस तरह से हम मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे मौखिक एवं लिखित दोनों रूप से कि बच्चे को जो पढ़ाया गया है उसकी समझ विकसित हो गई कि नहीं।
आओ करके सीखें घर में खेल खेल में। खेल खेल में हम बच्चों को मुखौटा जानवरों को लगाकर खेल खिलवा सकते हैं और घर से मिट्टी के जानवर बनाकर लाने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरह से इस कॉलम में ये लिखेंगे। अब लर्निंग आउटकम्स, जैसा कि पाठ का नाम था वो खोजें और जानवर थे, तो लर्निंग आउटकम्स है जानवरों की पहचान कर सकेंगे, पहचान कर आकृति में गोला लगा सकेंगे। इस तरह जानवरों के पहचान की समझ बच्चे में विकसित होगी, यही लर्निंग आउटकम्स हैं। यह पाठ एक की हिंदी का 7 पाठ की शिक्षण योजना है और इसी तरह और भी आंगली शिक्षण योजना बनाकर आप लोगों को दिखाई जाएगी। यह नवीनतम जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।